आवाज निकालना सीखा एंड ऑल द थ्री बेबी बर्ड्स वर टेकिंग आउट साउंड ऑफ अ क्रो. सो डू यू नो व्हाट्स द साउंड ऑफ द क्रो? एनीवन नोज व्हाट्स द साउंड ऑफ द क्रो? ओके अनंत. मैम काउ काउ. काउ काउ राइट. सो द साउंड ऑफ द क्रो इज काउ काउ. सो तीनों बेबी बर्ड्स ना काउ 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 कर रहे हैं. अब वहां से एक बिग पैरट जाता है और वो जैसे वो छोटे बेबीज की वो आवाज सुनता है उसका मन करता है वो जाके नेस्ट में देखे. हमारे साथ ऐसा होता है ना जब हम किसी छोटे बेबी को देखते हैं तो टेम्पटेड हो जाते हैं ना उसको देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है जब उसकी आवाजें आती हैं. सेम हैपन विद द पैरट. तो पैरट ने जैसे नेस्ट में देखा वो शॉक्ड रह गया. क्यों शॉक्ड रह गया? बिकॉज उसने देखा कि बेबी पैरट भी काउ काउ कर रहा है. तो वो बेबी पैरट को कहता है बेबी आप क्रो नहीं हो, आप क्रो की साउंड क्यों निकाल रहे हो? आप तो पैरट हो, आप पैरट की साउंड निकालो. तो जो पैरट है ना बेबी पैरट वो थोड़ा सा ना एंग्री हो जाता है. वो कहता है मैं क्रो हूँ, काउ काउ. एंड देन अगेन द बिग पैरट सेज कि लुक आप अपने आप को देखो, आप भी क्रोज जैसे दिखते हो? नहीं दिखते ना, आप मेरी बात मानो, आप सच में ना पैरट हो, आप क्रो नहीं हो और आपकी साउंड काउ काउ नहीं है. इस पे वो और गुस्सा हो जाता है. वो कहता है मैं क्रो ही हूँ, काउ काउ. अब बिग पैरट को दिखता है वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि छोटा बेबी पैरट तो सुन नहीं रहा. तो वो चला जाता है. फिर उड़कर वो एक और ट्री पर जाता है. अब वहां पर वो देखता है कि बहुत सारे ना पैरट्स बैठे हैं. तो वो ये प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करता है, उनको बताता है कि कैसे बेबी पैरट अपने आप को क्रो कह रहा है. तो वो एक गेम खेलने का सोचते हैं. तो सब पैरट छुट के ना वापस नेस्ट वाले ट्री पर जाते हैं और वहां पर वो जाकर बोलते हैं उन तीनों बेबी से कि आप हमारे साथ गेम खेलोगे. एंड बेबीज आर एक्साइटेड, यस यस हम खेलेंगे, हम बिल्कुल आपके साथ गेम खेलेंगे. फिर वो कहते हैं ठीक है गेम है कि हम ना आज साउंड्स निकालेंगे. और एक्साइटेड होते हैं, वाओ आज हम न्यू साउंड्स कोशिश करेंगे निकालने की, आज हम कुछ अलग करेंगे, ये. एंड दे आर वेरी एक्साइटेड. तो एक पैरट उसमें से आवाज निकालता है की की. अब बेबी क्रो वन ट्राई करता है पर वो साउंड नहीं निकाल पाता और इवेंचुअली क्या साउंड निकलती है उसके माउथ से? काउ काउ. फिर बेबी पैरट टू ट्राई करता है साउंड निकालने की बट वो भी नहीं निकाल पाता और उसके माउथ से भी साउंड निकलती है काउ काउ. अब आती है बेबी पैरट की टर्न. अब सोचो बेबी पैरट क्या कौन सी साउंड निकालेगा? एनीवन वुड लाइक टू गेस? नो आई वांट समवन एल्स टू गेस. ओके दिया. काउ दिया प्लीज आंसर. राइट यस मैम. मैम वो तो मैम की निकालेगा. तो वो साउंड निकालता है किंग की. अब जैसे ही वो की साउंड निकालता है वो सोचता है कि अरे क्रोस तो निकाल नहीं पाए, मैंने निकाल ली, इसका मतलब कि मैं पैरट हूं, मैं क्रो नहीं हूं क्योंकि क्रोस तो मेरी साउंड नहीं निकाल पा रहे. और वो बाकी पैरट्स के साथ चला जाता है. ठीक है. अब इस स्टोरी में आपने देखा कि जो पैरट है वो अपने आप को क्रो समझ रहा है. आपको क्यों लगता है वो अपने आप को क्रो समझ रहा है बेबी पैरट? क्या रीजन हो सकता है क्यों वो अपने आप को क्रॉस आइडेंटिफाई कर रहा है? ओके आयुष्मान. आई थिंक मैम जो मैम क्रोध है मैम वो ताकतवर मैम थोड़े से होता है तो मैम इसलिए मैम वो कर सकता है. ओके अकॉर्डिंग टू यू दे आर पावरफुल व्हिच इज व्हाई. ओके सिद्धांत. मैम क्योंकि वो क्राउ के बेबी के साथ रहा है और मैम क्राउ के बेबी काउ काउ करते हैं. वेरी ट्रू. क्योंकि वो क्रो, अगर आपको याद हो एग्स जब हैच हुए तो वो तो क्रोस के साथ ही था बचपन से, तो उसने किसी यस पैरट तो देखा नहीं हुआ था तो इसलिए वो अपने आप को क्या समझ रहा था? क्रो समझ रहा था. तो क्या ये अपने साथ ठीक कर रहा था वो नहीं आपको पाया? क्यों? क्योंकि वो पैरट था उसे पैरट के साथ ही रहना चाहिए था. अगर अगर वो प्रो के साथ होता तो अगर जो दूसरे एनिमल थे वो सोचते कि ये क्रो कैसे हो गया. ओके
अच्छा, व्हाट सिद्धांत हैज सेड, यू वांट टू से द सेम थिंग, ओके, डेफिनेटली यस, वो अपने साथ डेफिनेटली गलत कर रहा था अपने आप को क्रो कहकर, बट अगर हम उसकी सिचुएशन को एक बार देखें तो शायद वो अपनी जगह सही भी था, क्योंकि उसने पैरट्स तो देखे ही नहीं थे, उसको एक्सपीरियंस तो था ही नहीं, उसको पता ही नहीं था पैरट्स क्या है, राइट? तो इसीलिए वो अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन से देख रहा था, राइट? यस और नो? डू वी ऑल अग्री? देन गिव मी अ थम्स अप इफ यू अग्री विद मी. ओके सक्षम, आई कैन सी यू गिविंग मी अ थम्स अप. आयुष्मान, समीक्षा, दिया, ऑलराइट, इशिका, आर्यन, सफिया, ओके ग्रेट. माही वांट्स टू से समथिंग. यस माही. आज हमारी एक साथ दो दो क्लास दिखा रही है मैम, सोशल साइंस की भी दिखा रही है अभी इसी टाइम. आई थिंक योर मैम विल आंसर दिस. मैम इफ यू कैन जस्ट टेक दिस अप. प्रियंका मैम यू देयर? Maybe ma'am is resolving that issue. Let's study till then. Okay. If ma'am comes, yeah, she'll tell us. Yeah. Okay. So, yeah, we lost a bit of a track. So, usne apne aap ko unse identify kyun kiya? Kyunki usko experience hi nahi tha, right? But socho, agar wo bada ho jata aur wo kabhi kisi parent se nahi milta aur tab bhi wo apne aap ko crow hi kehta, to kya asar hota uspe? कैसे उस पर इफेक्ट आता? अगर कोई उसको बताता नहीं, हेल्प नहीं करता समझने में कि आप कौन हो, तो क्या होता? नियति, एक्सक्यूज मी मैम. या मैम, हमने मैम इसलिए हैंडल्स कराया मैम, टुडे मैम ऐसे स्टिक क्लास का पीरियड नहीं है. ओके फाइन. एंड मैम, एंड मैम, अगर मैम वो पैरेट था मैम, अगर उसको कोई मैम मैम मतलब जो आपने क्वेश्चन मैम एक बार आप पार्डन कर देंगे? क्वेश्चन है कि अगर उसे पता ही, एक बार आप क्वेश्चन पार्डन, अगर उसे पता ही नहीं चलता कि वो पैरेट है कभी भी, तो क्या होता? वो अपने आप को अगर हमेशा क्रो समझता तो क्या होता? मैम अगर वो मैम उसको कभी पता ही नहीं चलता कि मैम वो पैरेट है, तो मैम मैम वो उनके साथ ही मैम घुल मिल जाता और मैम फिर मतलब जो क्रोस थे मैम उसको मैम हमेशा मैम बोलते रहते कि आप पैर मतलब क्रोस हमेशा उसको मैम एक्सेप्ट नहीं करते ना. ओके बट क्या पता कर लेते क्योंकि वो शुरू से उनके साथ था. यस मैम, अगर मैम वो अगर कोई उसको बताता नहीं तो मैम क्रोस भी उसको एक्सेप्ट कर लेते और मैम वो उसको भी लगता कि मैं क्रो ही हूं. पर उससे क्या असर आता उस पे? आप सोचो ये मैम, अगर क्रोस ने उसको बता दिया कि मैम वो पैरेट है, तो मैम उसको पता चल गया कि वो एक पैरेट है. अगर मैम वो नहीं बताते तो मैम उसको लगता कि मैं क्रो ही हूँ और मैम उसको ऐसे पता भी नहीं चलता कि वो क्या है. राइट, तो उसे अपने बारे में ही पता नहीं चलता, राइट, कि वो एग्जैक्टली. यस मैम. ओके सफिया. यस मैम. Yeah, Safiya, what would you like to add on? Yes. Answer, beta. Ma'am, अगर मैम वो क्रो के साथ रहता और उसे कोई बताता ना, तो मैम वो अपना मतलब फेवरेट जो उनकी चिली फ्लेक्स जो उनकी फेवरेट डिश होती है वो भी नहीं खा पाता. Okay. अनंत. मैम यस मैम, तो फिर मैम सारे क्रोज के वो उसका उसका भी बिहेवियर क्रोज जैसे ही हो जाता और कुछ क्रोज उसका मजाक उड़ाते कि तुम दिखते तो पैरट जैसे लेकिन तब भी तुम काऊ काऊ करते हो. राइट,
तो अगर आप इस स्टोरी को थोड़ा सा गहराई से देखो ना, तो इसमें सबसे बड़ी ट्रबल ये आती है कि डेफिनेटली लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या और बर्ड्स या एनिमल्स उसका मजाक उड़ाते हैं डेफिनेटली, बट अगर आप ये चीज को समझो कि वो अपने आप को ही नहीं जान पाता, अपने आप को ही नहीं समझ पाता, क्योंकि वो तो पैरट है, क्रो तो नहीं है, राइट, बट वो अपने आप को क्रो समझ रहा है, तो हम सब उस पैरट की तरह है क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं दूसरों से, वो उसमें अच्छा है मैं नहीं हूँ, ये इसमें अच्छा है मैं नहीं हूँ, वो कर सकता है मैं नहीं कर सकती, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। तो जब हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को दूसरों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, यस और नो, राइट। तो इस वजह से हम सब उस पैरट की तरह है, हम अपने आप से अपना कनेक्शन नहीं बना पाते, सेल्फ कनेक्शन नहीं बना पाते, क्यों, क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाते, हम अपने आप को जान नहीं पाते, और वही उस पैरट के साथ होता, अगर उसको कोई बताता ही नहीं, या अगर वो साउंड निकालकर एक्सपीरियंस नहीं करता कि अरे हाँ मैं ये कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं पैरट हूँ, क्रो नहीं, तो वो कभी अपने आप से कनेक्ट ही नहीं हो पाता ना, तो जो सब चीजें पैरट करेगा वो कभी करता ही नहीं, वो एक्सपीरियंस ही नहीं करता अपने आप को, वो कौन है क्या है, दिस इज व्हाट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, ओके। तो हम सब उस पैरट की तरह बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करने में दूसरों से इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आप से कनेक्ट भूल जाते हैं, अपना हम क्या है हम वो सोचते ही नहीं है, ओके। तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर मुझे अपने आप को जानना है, ठीक है, इसके लिए मैं वर्ड यूज करती हूँ सेल्फ अवेयरनेस, तो अगर मुझे अपने आप को जानना है, सेल्फ अवेयर होना है, तो मुझे मेरे बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, या आपको अगर सेल्फ अवेयर होना है, आपको अपने बारे में जानना है, तो आपको अपने बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, थिंक, जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, आई जस्ट प्रिपेयर द स्क्रीन एंड देन आई आस्क यू। ओके, ओके, सो सेल्फ अवेयरनेस में मुझे मेरे बारे में क्या पता होना चाहिए, सक्षम, मैम आपको सेल्फ अवेयरनेस में मैम एड्रेस बतानी चाहिए अपने घर का, मैम और अपने नेम, और मैम अपनी फीलिंग्स का मैम नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैम अगर हम फेस भी देखनी चाहिए मैम, क्योंकि उससे हम पहचान भी सकते हैं, ओके। सक्षम यहाँ पर ना मैं आपको एक छोटी सी और चीज बताऊंगी, देन यू टेल मी अगेन व्हाट यू सेड इज राइट और नो, ठीक है, या ओके पीपल, डिड वी ऑल हियर व्हाट सक्षम सेड, हमें अपना नेम पता होना चाहिए, हमें हमारा एड्रेस पता होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। अब आप ये देखो, आपके सामने मैं एक तुलसी का प्लांट रख दूं, ठीक है, आप सब तुलसी प्लांट जानते हो कैसा दिखता है, आप सबने देखा होगा, मेजोरिटी ऑफ हाउसेज हैव इट, अगर मैं उसका नाम तुलसी नहीं रखूंगी, मैं उसका नाम मनी प्लांट रख दूं, क्या तुलसी पर कोई इफेक्ट आएगा, क्या वो मनी प्लांट में चेंज हो जाएगी अगर मैं उसका नेम चेंज करूंगी, तो नहीं होगी। तो यानी जब मैं तुलसी प्लांट बोल रही हूँ, उसको नेम मैंने दिया है तुलसी प्लांट, क्या तुलसी प्लांट ने खुद बोला था मेरा नाम तुलसी रखो, मनी प्लांट ने खुद बोला था मेरा नाम मनी प्लांट रखो, किसने रखा वो नाम हमने रखा, क्यों रखा, क्योंकि हमारे आसपास इतने प्लांट्स हैं, तो हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनको नेम देकर, ऐसे ही हम ह्यूमंस में करते हैं, ऐसे ही हम एनिमल्स में करते हैं, ताकि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं हमें पता हो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम उसे नेम दे देते हैं। तो अगर मैं डॉग बोलूंगी तो सबके माइंड में डॉग का ही पिक्चर आएगा ना, किसी के माइंड में कैट का पिक्चर तो नहीं आएगा ना, यस और नो, राइट। बट अगर मैं डॉग का डॉग नेम नहीं रहने दूं और मैं सिर्फ डिस्क्राइब करूं कि उसकी फोर लेग्स हैं, उसकी बॉडी थोड़ी सी इलोंगेटेड है, उसकी टेल हमेशा टर्न्ड रहती है,
मोमेंट आई से उसकी टेल हमेशा टर्नड ही रहती है और उसके माउथ में आगे थोड़ा सा स्नाउट आता है, तो आपको थोड़ा समझ आएगा ना कि मैं किस एनिमल की बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये उस एनिमल की डिस्क्रिप्शन है। तो अगर मैं उस एनिमल के बारे में, तो आपको उसके बारे में पता चल रहा है ना कि मैं क्या किसकी बात कर रही हूँ। ऐसे अगर मैं तुलसी प्लांट का नेम हटा दूं, बट अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि देखो इसकी लीफ कैसी है, देखो इसकी स्टेम कैसी है, देखो इसके फ्लावर्स कैसे हैं, इसके सीड्स कैसे हैं। अब वैसे फ्लावर सीड्स लीफ किसी और प्लांट के तो नहीं है ना, तो तुलसी प्लांट को तुलसी प्लांट क्या बनाता है, उसका नेम बनाता है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, उसका लीव स्टेम बताओ। अगर नेम बनाता है तो गिव मी अ थम्स डाउन, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो गिव मी अ थम्स अप। बताओ तुलसी प्लांट को तुलसी प्लांट क्या बनाता है, उसका नेम जो मैंने दिया है या जो उसके कैरेक्टर्स हैं। अगर कैरेक्टर्स जैसे कि लीफ कैसी है, उसकी स्टेम कैसी है, तो थम्स अप। अगर उसका नेम, तो थम्स डाउन। सो व्हाट्स योर चॉइस? ओके, उसका नेम उसको बनाता है। ओके, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। नियति अनम्यूट। यस मैम। ओके नियति, अब मुझे एक बात बताओ, आपका नाम नियति किसने रखा? मैम मदर फादर ने। अगर मैं आपका नेम रितिका रख दूं तो क्या आपका फेस चेंज हो जाएगा मेरे जैसा? No, क्यों मैम? बिकॉज मैम हमें कुछ मैम फर्क नहीं पड़ेगा मैम, हमारे मतलब मैम हमें बस अपना नाम पता होना चाहिए मैम, हमें मैम बस अपनी सेल्फ अवेयरनेस नाम से नहीं आती ना, नाम तो मैंने दिया है। मैंने का मतलब आपके पेरेंट्स ने दिया है, कोई आप बॉर्न होते थोड़ा ना उनको बोले थे मेरा नाम नियति रखना, ऐसे बोला था आपने? तो फिर इसका मतलब जब गॉड ने हमें क्रिएट किया, उन्होंने किसी नाम के साथ नहीं किया, उन्होंने आप में क्या डाल के भेजा? मैम उन्होंने हमें क्या डाल के भेजा है? नेम डाल के भेजा है? नो मैम। नहीं, तो इसका मतलब सेल्फ अवेयरनेस नाम नहीं होता, क्योंकि जब हम बात करते हैं हम क्या हैं। अगर मैं बात करूं पैरट क्या है, तो पैरट के कुछ स्किल्स है ना, पैरट हमें कॉपी कर सकता है, वो हमें बोलता है। अब मैं अगर उसका नाम पैरट ना रख के कुछ और रख दूं, तो तब भी वो ये काम तो करेगा ना? यस मैम। तो यानी नेम तो नहीं है सेल्फ अवेयरनेस? यस मैम। आप डॉग को डॉग कह रहे हो, डॉग को तो नहीं पता ना उसका नेम डॉग है या हमने उसको डॉग बुलाया हुआ है? मैम हम डॉग का भी नाम रख देते हैं। राइट, पर उसको तो नहीं पता ना उसने कहा है वो, तो yes, मैम वो फिर भी बार्क कर देगा, और मैम जो उसकी मतलब मैम राइट, तो जब वो बार्क कर रहा है तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना, उसका क्वालिटी हुआ ना वो। सिमिलरली yes, में भी गॉड ने कुछ क्वालिटीज डाली है ना, तो वो क्वालिटीज सेल्फ अवेयरनेस है या आपका नाम सेल्फ अवेयरनेस है नियति? मैम क्वालिटीज सेल्फ अवेयरनेस है। डेफिनेटली, तो हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अगर हमें अपने बारे में ये पता हो तो हम सेल्फ अवेयर है ना। अब अगर मैं आर्ट में अच्छी हूँ, मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ, और मेरी फ्रेंड डांसिंग में अच्छी है, तो क्या मैं कंपेयर करूंगी अपने आप को कि उसको तो डांसिंग बहुत अच्छी आती है मुझे नहीं आती? इसका मतलब मैं सेल्फ अवेयर नहीं हूँ। बट अगर मुझे पता है कि वो डांसिंग में अच्छी है पर मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ, तो मुझे पता है ना मेरे बारे में मैं किस में अच्छी हूँ, या मुझे क्या सीखना है कि ओके मुझे ड्राइंग आती है पर मुझे लेट्स से वर्ल्डली आर्ट करना अच्छे से सीखना है, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव भी करना कहाँ चाहती हूँ मुझे अच्छे से पता है। राइट, तो जो हमारे टैलेंट हैं या जो हमारे कैरेक्टर्स हैं या क्वालिटीज हैं, वो हमारे एक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सिंगिंग का टैलेंट है, आपकी आवाज अच्छी है, तो आप एक्शन लोगे ना म्यूजिक सीखने का? अगर आपका मन है सीखने का, आप सीखोगे ना, तो वो एक्शन हो जाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस में सबसे पहली चीज होती है हमें हमारे एक्शंस पता होना, जिसमें हमारे टैलेंट्स एंड क्वालिटीज आते हैं। ओके, तो अगर आपको
लेट्स से अगर आपको मार्शल आर्ट्स पसंद है तो उसको आप सीखोगे ना, तो सीखना क्या है, एक्शन लेना. तो इसलिए हमारे टैलेंट्स और क्वालिटीज हमें हेल्प करते हैं एक्शन लेने. तो सेल्फ अवेयरनेस में हम एक्शंस देखते हैं. उसके अलावा और क्या पता होना चाहिए आपको अपने बारे में? यस एक्शन. मैम उसके हमें स्किल्स का अच्छे होना चाहिए. मैम मतलब हमें मतलब कोई हमारा मैम फ्रेंड होगा मैम वो हमें तुम बता रहे हो कि ये मतलब जैसे हाउस बिक गया और मैम उसके फोर विंडोज मैम हमें उसका मैम इमेजिन होगा मैम अपने माइंड में तो मैम हम उसे समझ जाएंगे कि कौन सा हमारा हाउस है. या तो हम कंपैरिजन से बच जाएंगे क्योंकि हमें अपने क्वालिटीज पता होंगे, राइट? यस मैम. ओके दिया. मैम नॉलेज. नॉलेज ऑफ व्हाट? किस चीज का नॉलेज? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब बेटा नॉलेज ही होता है. किस चीज का नॉलेज होना चाहिए हम ये बात कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल आप क्या फील करते हो, आपके फीलिंग्स. जस्ट अ सेकंड, आई थिंक द टेक्स्ट हैज गॉन. Okay. I'll just type it again. Okay, now it's coming. Yeah, so आपकी feelings, जब आपको अपने feelings पता होते हैं self awareness. जब आपको अपने thoughts पता होते हैं that is self awareness. जब आपको पता होता है आप कैसे observe करते हो that's self awareness. जब आपको पता है आपके wants क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या need है, क्या desires है, क्या aspirations है, ये self awareness होता है. So, our feelings or thoughts, behavior. अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. आपका अपनी फ्रेंड से ना स्कूल में थोड़ी सी फाइट हो गई, ठीक है? आप घर आए, घर आके आपसे मम्मा ने ऐसे थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, तो आप ऑलरेडी अपनी फ्रेंड की फाइट से डिस्टर्ब्ड हो, तो आप मम्मा से थोड़ा रूडली बात करोगे, राइट? पर वो रूडनेस अभी नहीं आ रही, वो रूडनेस पीछे से आ रही है क्योंकि आप डिस्टर्ब्ड हो, आपकी फ्रेंड से फाइट हुई, आपको अच्छा नहीं लग रहा. यू आर फीलिंग सैड एंड बैड अबाउट इट. यू आर फीलिंग डिस्टर्ब्ड और थॉट्स आपके क्या है उसी चीज में चल रहे हैं और आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो. तो आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपका बिहेवियर डिफाइन करते हैं. एंड व्हाट हैपेंस, आप मम्मा से थोड़ा रूड हो जाते हो पर वो प्रेजेंट सिचुएशन से नहीं आ रहा, वो पीछे से आ रहा है कि उससे पहले आपका मूड कैसा था, उसके पहले आप कैसा फील कर रहे थे, राइट? उसके अलावा ऑब्जर्व, आप कैसे देखते हो हर चीज. नाउ फॉर एग्जाम्पल पार्थ सेज टू सफिया दैट सफिया डू यू नो व्हाट, माहिना बहुत अच्छा सिंग करती है. अब सफिया इसके दो मतलब निकालेगी. पहला मतलब कि ओके जो पार्थ है वो माही की तारीफ कर रहा है कि माही बहुत अच्छा गाती है. एक वो ये सोच सकती है कि अच्छा ये मुझे ना नीचा दिखा रहा है कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा गाती है, मुझे तो गाना ही नहीं आता, है ना? दोनों मतलब हो सकते हैं ना. तो ऑब्जर्व का मतलब है आप कैसे सिचुएशन को समझते हो, आप कैसे चीजों को देखते हो, दैट्स ऑब्जर्वेशन. वॉन्ट, आपको क्या चाहिए, क्या आपकी नीड है, क्या आपकी डिजायर है, आप बड़े होके क्या करना चाहते हो, एस्पिरेशन. तो जब हमें अपने बारे में ये सब पता होता है देन वी से दैट वी आर सेल्फ अवेयर. ओके, अब इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिसके लिए मैं आपको 2 मिनट्स दूंगी सिर्फ. आप अपने पास एक शीट रख लीजिए और आप लिखेंगे अपनी 3 क्वालिटीज जो आप में है और 3 क्वालिटीज जो आप सीखना चाहते हैं, ठीक है? सो क्विकली डू इट. द टाइम इज 12:55. 12:56 पे वील मूव ऑन, ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू राइट 3-3. आई विल शेयर द स्क्रीन फॉर वर्ड्स. अगर आपको कोई और वर्ड याद आए आप वो भी लिख सकते हैं. आपने सिर्फ अपनी 3 स्ट्रेंथ्स लिखनी है और 3 चीजें जिसपे आप वर्क करना चाहेंगे, ठीक है? तो 3 स्ट्रेंथ्स जो आप में हैं, 3 क्वालिटीज जो आप में हैं और 3 क्वालिटीज जो आप सीखना चाहते हैं. So you can choose words like creative, confident, focused, caring, goal-oriented, happy, honest, sensitive, doesn't give up, eager to learn, open-minded, imaginative, hopeful, calm, striving, fair, loyal, forgiving, passionate, positive, kind, funny, leader, patient, curious, spiritual, humble, supportive, dependable, and hardworking. So quickly write it with yourself.
यस दर्श मैम पहले से रिजेंड हो रखा है मैम डाउन कर लेते हैं ओके समृद्धि मैम मेरा पहले का ही है सॉरी नो वरीज Okay, Shagun, you want to ask something? Yes, Shagun. Ma'am. Ma'am, ये जो इस body के side में जो words लिखे हैं, ma'am, उनमें ये options हैं? हाँ, आप इनमें से भी choose कर सकते हो. अगर कोई और word आपके mind में है, वो भी लिख सकते हो. ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. Welcome. Yes, Aksham. Mom, what is the meaning of strength? Of? Mom, what is the meaning of strength? Strength. Strength is strong qualities. Okay, ma'am. Yeah. Anand, you want to ask something? Okay. यस मैम मैम मैं बताऊं मैं क्या क्या मैं क्या मेरी स्ट्रेंथ है क्या मैं सीखना चाहता हूं प्लीज गो अहेड ओके मैम मैम आई एम सपोर्टिव पैशनेट एंड डिटरमाइंड और मैम मैं लीडर पेशेंट और डज नॉट गिव अप ओके आई लाइक जब आपने अपने पास अपनी क्वालिटीज लिखी कि ये है और ये मुझे सीखनी है अब आपको ये एक्टिविटी कैसे हेल्प करेगी आगे लाइफ में मैम यस मैम क्योंकि ये चीजें ये सिक्स थिंग्स ऐसी हैं जो हमें पूरी लाइफ में हेल्प करेगी एक पेशेंट लीडर और डज नॉट गिव अप करने वाले एक सपोर्टिव डिटरमाइंड और पैशनेट ये सिक्स चीजें हमें बहुत हेल्प करेंगी ओके माय क्वेश्चन इज नॉलेज कि अब आपको पता चल गया कि मुझे ये सीखना है और मुझे ये अच्छा है तो yes, अब आप आगे कैसे पर्सन बनोगे लाइफ में मैम पता चल गया कि मुझे ये चीज सीखनी और मुझे ये आती है तो ये आप पर क्या असर आएगा इसका हाउ विल इट अफेक्ट यू यस मैम जैसे मैं लीडर पेशेंट और डज नॉट गिव अप बनना चाहता हूं तो मैम मैं इन चीजों को इंप्रूव करने की ट्राई करूंगा ताकि मैम ये भी बन जाऊं ओके सो व्हिच मींस दैट यू विल टेक एक्शन यस मैम आई विल ट्राई टू बिकम राइट सो व्हिच मींस कि अब आपको समझ आ गया कि आपको किस चीज को सीखना है Right? So you will take action accordingly. Okay. Yes, Samriddhi. Vanshika, wait. I have to send it to Samriddhi. Ma'am, my strength is singing, dancing, and painting. And I would like to improve my English speaking, okay. Karate, and writing. Okay. So how this understanding of you is going to help you? कैसे हेल्प करेगा ये लाइफ में आपकी जब आपको पता चल गया कि आपको क्या सीखना है तो मैम आगे हम जो है सारे काम कर पाएंगे सारे काम एज इन बेटा इससे रिलेटेड मतलब हमें जो है मैम ज्यादातर चीजें आती होंगी ओके वी विल हैव डायरेक्शन यस मैम ओके यस वंशिका नाउ यू कैन टॉक Ma'am, my strength is creative, doesn't give up, and dance. And ma'am, I would like to learn patient, confident, and happy living. Okay. So how your knowledge of yourself, अब आप self-aware हुए हो, ये आपको कैसे help करेगा?
अपनी क्वालिटीज के लिए। मैम आई एम क्रिएटिव एंड मैम जो भी मेरे को चीजें आती है ना, मैं उससे ना जैसे कि जो भी चीज मैं सीखती हूँ, लाइक मैम यस्टरडे ना मैंने स्लाइम की वीडियो देखी थी, हाउ टू मेक स्लाइम, सो मैम हमने वो बना के देखा था, तो मैम ऐसे जो भी चीज हम देखते हैं मैम उसे क्रिएटिव करते हैं। मैम कभी हार नहीं माननी चाहिए मैम, मेरा डांस बहुत अच्छा होता है। Okay, Vanshika, there's a network issue, I guess, at your end. Vanshika, video off करके बात करो एक मिनट। Wait. Okay, say the last line again. Ma'am, I would like to be patient, confident, and be happy. Because ma'am, I मेरे को ना जो भी चीज होती है मैं उस पे ना पेशेंट नहीं कर पाती, कि मैम जो हमने स्लाइम बनानी सीखी थी तो मैम उसमें बोला था कि 3-4 days का वेट करना पड़ता है, तो फिर मैम मैं कंट्रोल नहीं कर पाई थी उसे चेक करने के लिए। सो मैम आई वुड लाइक टू लर्न पेशेंट एंड मैम बी कॉन्फिडेंट एंड मैम हैप्पी। सो पीपल वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब हमें अपनी क्वालिटीज और स्ट्रेंथ्स पता होते हैं और जब हमें ये पता होता है कि हमें क्या सीखने की जरूरत है, तब उस ये हमें इससे हेल्प करता है। फर्स्ट हम सेल्फ अवेयर हैं कि हम किस चीज में अच्छे हैं और क्या चीज सीखना है, इससे हमें डायरेक्शन और फोकस मिलता है। ओके कि मुझे अब आगे क्या करना है, जैसे कि अगर आपको आर्ट में आगे बढ़ना है तो आपके पास फोकस है राइट, तो आप डिटर्मिंड हो जाओगे, आप उसमें मेहनत डालोगे। फिर थर्ड, यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। जब आपको अपने बारे में पता ही नहीं होता तभी तो आप कंफ्यूज्ड होते हो, जब आपको अपने बारे में पता है, आप क्लियर हो अपने बारे में, तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट हो ना, आप वही करना चाहोगे जो आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ है। अब अगर मैं डांस में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँ मैं तब भी अच्छा नहीं कर पा रही, तो क्या मैं उदास होकर बैठ जाऊँ? मैं सिंगिंग ट्राई कर सकती हूँ, हो सकता है मेरा टैलेंट सिंगिंग हो राइट। तो यू बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। So to gain confidence, one of the key skills is that you got to know yourself. You got to know what you are good at and what is it that you want to work and what is it that you don't even want to work on. Okay? तो आपको तीनों चीजों की आइडेंटिटी क्लैरिटी भी चाहिए और क्यों, रीजन भी होना चाहिए क्यों। इसलिए नहीं कि मुझे शो ऑफ करना है या किसी को दिखाना है, नो, द रीजन शुड बी कनेक्टेड टू यू। ओके, Now with this, we move on to the next part. अब हमने एक चीज तो देखी कि हमें हमारे actions पता होने चाहिए, हमारी qualities वगैरह self-aware होने के लिए। Second है हमारे feelings. Right, Niyati, I have seen. You have done the work. I had seen Mahi also flashing it. Okay, I have seen. Keep it with yourself because I was more interested in knowing कि इससे आपने क्या सीखा है. Okay, all right. अब हम second चीज क्या है? हम second चीज होती है हमारी feelings. हम सब फील करते हैं, हमें हम हैप्पी भी होते हैं, हम सैड भी होते हैं, हम एक्साइटेड भी होते हैं, हम एंग्री भी होते हैं, हम सब होते हैं ना। लेकिन जिस चीज से मैं हैप्पी हो रही हूँ जरूरी नहीं ना आप उससे हैप्पी हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपने बेबी के साथ खेलती हूँ मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ, ठीक है, जब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ या जब मैं उसके साथ स्टोरी रीड करती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी देन। हो सकता है कि लेट्स से इशिका गेट्स हैप्पी when she go out and plays with her friends, तो happiness देखो अलग है ना, उसके friends के साथ play करने पर है, मेरी किसी और के साथ है। Similarly excitement अलग हो सकती है, for example I am excited when I have to try something new, कि अगर मैं कोई new dish try कर रही हूँ या मैं कोई new place explore कर रही हूँ, I'm very excited about it, but maybe somebody gets excited when you get to know just a thought कि हम कहीं जा रहे हैं, है ना। तो हम सब फीलिंग्स होते हैं हम सब में, बट हम किस सिचुएशन में कैसा फील करते हैं वो हम सब अलग हैं उस हिसाब से। दिस इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, कि हम हर सिचुएशन में कैसा फील करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने लिए एक इमोशनल व्हील बनाएंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स बेटर, कि हम कैसा कब फील करते हैं। तो इमोशनल व्हील क्या है, okay, can you all see the wheel on the screen? Just show me a thumbs up if it's visible.
ओके फाइन बन चुका, थैंक यू। राइट, सो ये व्हील आप देखोगे इसमें 8 इमोशंस हैं, हैप्पी, एंग्री, गुस्सा आना, वरिड जब आप डर घबरा जाते हो, वरिड इज घबराना, प्राउड जब आप अपने पे प्राउड होते हो, सैड जब आप उदास हो जाते हो, एक्साइटेड, सरप्राइज्ड जब आप हैरान हो जाते हो, स्केयर्ड जब आप डर जाते हो। तो अब आप सिचुएशन सोचो कि कब आप हैप्पी होते हो, कब आप एंग्री होते हो, कब आप वरिड होते हो। जैसे मैंने आपसे शेयर किया, आई एम हैप्पी व्हेन आई एम रीडिंग अ बुक विद माय चाइल्ड, तो मैं यहाँ पर ये लाइन भी लिख सकती हूँ, या मैं यहाँ पर बुक बना सकती हूँ और स्टिक फिगर में मैं अपने आप को और अपने लाइक आई कैन शो माई चाइल्ड, राइट। सो आई कैन ड्रॉ अ पिक्चर ऑल्सो, आई कैन राइट ऑल्सो, और मैं दोनों भी कर सकती हूँ, मैं ड्रॉ और पिक्चर दोनों कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप इस इमोशन व्हील का अपने पास पिक्चर क्लिक कर लीजिए, यू कैन इफ यू आर ऑन द लैपटॉप देन यूज द मोबाइल फॉर क्लिकिंग द पिक्चर, और अगर आप ऑलरेडी मोबाइल पर है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जस्ट मेक योर इमोशन व्हील, ओके, सो बी रेडी विद दिस। और जब आप ये अपना बना लोगे, मेरे को इससे आपसे सिर्फ दो क्वेश्चंस पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि जब आपने ये व्हील बनाया तो आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा, और दूसरा अगर आपका कोई आहा मोमेंट है, आहा मोमेंट यानी कि अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, अरे ये तो कभी हुआ ही नहीं था, अरे ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, दिस इज योर आहा मोमेंट, जो अचानक से आपको चीज याद आती है या पता चलती है, ठीक है। मुझे आपसे सिर्फ ये दो क्वेश्चन पूछने हैं, और इन दो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपका ये एक्टिविटी करना जरूरी है, बिकॉज इफ यू विल डू इट तभी तो आप शेयर कर पाओगे ना कि आपने इससे क्या सीखा है या कैसे ये आपको हेल्प किया, ओके। सो प्लीज टेक द पिक्चर, देन आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयर ऑफ इट, जस्ट टेक द पिक्चर। After 1 minute, I'll stop the screen share. So just take the picture, then I'll tell you the homework also. Okay, I'll stop the screen share and I'll just tell you the homework. So just help your friends also with the homework. First is complete your emotion wheel. And second is do page 15 and 16 of your book. So page 15 and 16 is about your feelings only. आपके feelings के ही ऊपर है, कुछ questions वगैरह हैं जो आप answer करेंगे. So just do it to connect with yourself better and to become better aware of yourself. Okay? So that's the homework and see you all. We meet again in the next class. Have a wonderful day. Bye. Have a great day, ma'am. Thank you. You too. Bye-bye. Have a great day. Have a good day, ma'am. Have a nice day, ma'am.